हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल। ये मेरा सर्विस सेंटर मैसूर में है, कर्नाटक मैसूर। अभी चार्जर आया है केरला से। अभी इस भाई ने उधर शायद शोरूम में दिया था, तो उधर शोरूम में नहीं बना। शोरूम वालों ने बोला इस भाई को कि इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा, ये रिपेयर नहीं होगा, आपको नया लेना चाहिए। तो इस भाई ने मेरा यूट्यूब में वीडियो देखा, मुझे कांटेक्ट किया, मेरा एड्रेस लेके मुझे कुरियर से भेजा है। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके अंदर के चार्जर की कंडीशन क्या है वो देखें। ये देखिए कितना डस्ट गया इधर, ये ऑलमोस्ट डस्ट जाने की वजह से ख़राब होता है। ये थोड़ा पानी भी गया जैसा दिख रहा है इधर ड्रॉप्स। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या ख़राबी है, चेक करके मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसको सीरीज में कनेक्शन देके इसमें क्या प्रॉब्लम है चेक करेंगे। ये रहा लाइन और ये रहा न्यूट्रल। अभी जैसे मैं पावर इसको दूंगा तो इधर दो ग्रीन एलईडी ऑन होना है और रेड लाइट को डिम एंड डिप करना है। तो चलिए देखते हैं इसे होता है या नहीं। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया सिर्फ सेंटर वाला लाइट ग्रीन ऑन हुआ, पहला वाला पावर का ऑन नहीं हुआ। रेड लाइट तो ब्लिंक कर रहा है लेकिन फर्स्ट लाइट पावर लाइट ऑन नहीं कर रहा है। पावर लाइट ऑन नहीं करने की वजह भी कुछ शॉर्टिंग हो सकती है। कंट्रोलर कार्ड में इसकी पावर फैक्टर ऐसी आती है, अगर वो शॉर्ट रहेगी तो पावर लाइट ऑन नहीं करेगी। तो भाई का भी यही कहना है कि ऑन कंडीशन में ये सिर्फ लाइट आता है लेकिन ऑटो चार्ज नहीं करता है, सिंबल दिखाता है रेड लाइट आ जाता है, ऐसा बोल के कस्टमर ने बोला है। तो अभी इसको करना क्या है, इसके इस सेक्शन में कंट्रोलर कार्ड में सभी को कंपोनेंट चेक करना है, जो भी शार्ट निकलेंगे उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से इधर ग्रीन लाइट भी आ जाएगा पहला वाला और आउटपुट पे वोल्टेज भी आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसमें जो ख़राबी है वो सही करके आपको बताता हूँ। पहले इसके मॉस्फेट की हीट सिंक को बाहर निकाल के इधर जितना डस्ट गया है उसको क्लीन करके कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना डस्ट गया, वाटर भी गया है इधर थोड़ा, इधर तो शॉर्ट कर गया है। वो क्या होता है इधर ये एमसीयू रहते हैं, एमसीयू के बाजू में भी डस्ट जाके पूरा जमा रहता है, वो मॉइस्चर जैसा जमता है। छोटा छोटा कंपोनेंट जितना आता है उन सभी कंपोनेंट को वो शॉर्ट कर देता है। इसमें ये वाला मेन आईसी है एमसीयू, अगर ये शॉर्ट रहेगा तो रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जो कंपोनेंट्स इसमें डैमेज हैं उन सभी को फाइंड आउट करके सभी कंपोनेंट को रिप्लेस करके चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली ये रिपेयर हो चुका है। इसके जितने कंपोनेंट्स डैमेज थे सभी को मैंने रिप्लेस कर लिया है। इधर जितना वाटर डस्ट गया था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है।
अभी इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये देखिए लाइन और न्यूट्रल दे दिया, मल्टीमीटर कनेक्ट किया हूँ, जब ऑन होगा तो इधर 53 वोल्ट शो करेगा। फ़ैन भी कनेक्ट कर लिया है, फ़ैन भी ऑन होगा और इधर दो ग्रीन एलईडी भी आएगा। इससे पहले जो दो ग्रीन एलईडी नहीं आ रहा था अभी आ जाएगा। अभी मैं चेक करके बताता हूँ आपको। अभी इसको मैं मेन पावर देता हूँ, ये देखिए जैसे इसको मैं मेन पावर दिया तो इधर दो ग्रीन एलईडी आ गया। दो ग्रीन एलईडी आने के बाद ये देख सकते हैं मल्टीमीटर में 53 वोल्ट भी शो कर रहा और इधर एक रेड लाइट भी ब्लिंक कर रहा, मतलब कम्युनिकेशन सही है। फैन भी ऑन हो गया, बस इतना काम था, कर लिया। आप भी अगर अपना चार्जर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।